I'm not the one who's running away.
जितना कु समा जी सतगुरु जी चाहणगे उन्ना क समा आपां सारिआं ने एक दूजे दे सरमुख होना है। असी सुनाउणा है, तुसी सुनना है, जिन्ना क समा सतगुरु जी चाहणगे। आओ सर्वत विचारां तों पहलां दोवें हथ जोड़ के फतेह दी सांझ पाओ जी। प्यार सतिकार दे नाल फतेह बुलाओ, निभाओ सीस बुलाओ फतेह जी। गज के आखो वाहिगुरु जी का वाहिगुरु जी की। Thank you.
आवा। ऐसी कृपा करो महाराज नाम, ऐसी कृपा करो महाराज नाम से आवा, नाम से आवा। कृपा करो महाराज नाम से आवा, नाम से आवा। पातशाह जीओ आप कृपा करो, मेरी इन्नी औकात नहीं, इन्नी हस्ती नहीं, मैं उपर वाल नूं अपना जीवन ले जा सकां। चढ़ाई हुंदी है ना उच्ची, चढ़नी बड़ी औखी है। उत्ते जान लग्यां जोर लगता है, भावें कोई पुल होवे, भावें साडी जिंदगी होवे, साडा जीवन होवे, साडी अवस्था होवे, जदों उपर वल नूं जावांगे ना, चंगे कर्म करांगे, उदों जोर लगता है, मन नूं समझाउणा पैंदा है। मन कहिंदा नहीं, तूं की लैणा दुनिया दा भला करके, की लैणा इह क्लब बणा के, की लैणा किसे दा चंगा करके, मना तूं अपना वेख। पर प्यारे जदों गुरू कृपा करे ना तो उदों ही किसी का भला कर सकता है बंदा। सतगुरु आप कृपा करन, औखा कम करन वेले जोर लगता, नीवा वेखो आ पौड़ियां ने, हुण नीचे उतरोंगे बड़े सियाने बजुर्ग बैठे है, मेरे माँ प्यो समान, हुण नीचे उतरोंगे बिल्कुल लत्तां बाहां नूं दर्द नहीं जे होना, जोर भी नहीं लगना अपने आप ही थले नूं। जो माड़े कर्म हुंदे आ ना इदां ही वो अपने आप ही हो जांदे है। जेल दे विच एक बार किसी ने सवाल पूछया, कहिंदे भी तूं की पाप कीता, कहिंदा जी मैथों ना कतल हो गया। एक तो पूछया कहिंदे भी तैनूं किहड़ी चीज़ की सज़ा, कहिंदा मैथों जी चोरी हो गई, मैथों आ हो गया, मैथों आ हो गया। किसी ने यह नहीं कहा कि मैं कतल कीता है, कहिंदे मैथों कतल हो गया। माड़ा कम प्यारे हो अपने आप हो जाता है, जिहड़ा चंगा कम है वह जोर ला के करना पैंदा है। वेखो मैनू जदों इन्हां दा फोन आया ना वीरां दा, भाई मनप्रीत सिंह जी, मैनू एक गल सुन के बड़ी खुशी जी महसूस होई। मैं पहली बारी सुनिया सी, हो सकदा होर बहुत होण। वेखो क्लब बने हुंदे आ पिंडां दे विच, खेडां करवाउंदे आ, चंगी गल है, नशियां तों हटाउंदे आ, गरीब घर दी धी दी शादी कर दित्ती, किसी गरीब गुरबे नूं कोई दान कर दिता, घर पवा के दे दिता, चंगी गल है। मैं पहली बार सुनिया, हो सकता बहुते होण। कहिंदे जी असी क्लब वाले ना हर महीने कीर्तन करवाउणे आ, गज के आखो सतनाम। वेखो किन्ना चंगा कम, यह गुरु की महिमा। ना तो कीर्तन बिना कृपा तो कोई कर सकता है, ना सुन सकता है, ना कोई करवा सकता जी। गज के आखो सतनाम। ये तो कोई पूर्वले जन्म पिछले जन्मों का लेखा जोखा है। क्लब वाले ओ ऐ ना सोच लियो असी कराउने आ, इह ते परमात्मा तुहाडे पिछले कर्मां दा तुहानू फल दे रहा है, जिन्हें एड्डी वड्डी सेवा तुहानू बख्श दित्ती जी। गज के आखो सतनाम। वेखो जी किसी नूं नशे तो हटाउणा बड़ी चंगी गल है। क्लबां वाले भीर नशा छडाऊ कैंप लाउंदे ने, किसी धी पुत की शादी कर देनी बड़ी चंगी गल है। सब तो चंगा कम किहड़ा जी, एक हुंदा किसी लंगड़े नूं जो लत्तों विकलांग है, उन्हूं कोई इदां व्हील चेयर लै देनी, कोई अखां तों ब्लाइंड है, सूरमा सिंह है, उन्हूं एक अख पवा देनी, दोवें अखां पवा देनियां, वह की हो गया जी, अखां दा दान दे दिता। अखां नाल वेखण ते लग गया, व्हील चेयर ते तुरन ते लग गया। सब तो चंगा कम पता किहड़ा है, ध्यान दिओ जी, सब तो चंगा कम किसी का दिमाग खोलना, किसी नूं ज्ञान दे देना, भावें वह अखा तो ना ही वेख सकता होवे,
भावें वह पैरों तो ना चल सकता हो ते प्यारे जो दिमाग चलेगा ना तो दिमाग के सहारे कुछ भी कर सकता है। तो आज सतसंग यह खेल रचाया ना सतसंगत का यह मौका ये गुरु जी ने आ बख्शिश किया क्लब वाल वालों उन्होंने सेवा लाई है। तो प्यारे ये की होना सानू ज्ञान मिलना है तो ज्ञान लैके साडा दिमाग खुलना है। सब तो वड्डी गल सब तो वड्डा पुन यही है कहिंदे जोड़न वर्गा पुन नहीं तो तोड़न वर्गा पाप नहीं जी गज के आखो सतनाम ये जोड़न वर्गा कोई पुन नहीं। तो प्यारो जिदा ये क्लब वाले कर रहे हैं ना कीर्तन का प्रोग्राम किसी नूं नाम जपा रहे ने किसी का नशा छुड़ा रहे ने खेडां करवा रहे ने। मैं झात मारी गुर इतिहास वल भगत पूर्ण सिंह जी वल ते कदे भाई कन्हैया जी वल जो कहिंदे जी कहिंदे सानू ते दुश्मनां दे विच भी रब दिंदा इस ते सेवा करनी है। ते प्यारे उन्हां नूं वेख के लगता भी ये क्लब वाले वीर भी किते ना किते गुरु दे पुत्तर कहाउण दे लायक ने गज के आखो सतनाम क्योंकि प्यारे इदां बाणा पा लैणा असी बाणा पा लिया असी एक निशानी गुरु साहब की लै रही असी कह सकते हैं भी गुरु के पुत्र कहाउण दे लायक शकल तो मिलती है। क्लब वाले वीर ने कर्म उहो जे कीते जिहो जे गुरु साहब ने हुक्म किया यह भी कहण दे योग ने कह सकते ने कहण दे हकदार ने कि भाई असी गुरु के पुत्र हाँ। तो एक प्यारे बड़ी सोहनी साखी इतिहास के आती है इदा ना दिमाग ही बस खुल जाता सुन के भी वेखो जी किड्डी रचना परमेश्वर ने किड्डी खेल बनाई। एक बार प्यारे प्रेम चंद नाम सी बड़े बड़े शाहूकार का राजा सी नाम की दस्या जी प्रेम चंद गज के बोलिया करो भैनों मेरे मागू नाम की दस्या प्रेम चंद चंद उन्होंने कहने होंने जेड़ा बड़े ही सोहना लगता हो प्यारा लगता हो अपने बच्चे कहने ना ये चन्न वर्ग है ये तो फुलां वर्गा कोमल है वो बड़ा प्यारा सी बड़ा सोहना सी ते अमीर खानदान दा सी इदा नीलियां अखां तिखा नक ते सोहना नैन नक्श इदा जिहड़ा वेखदा सी वेखदा ही रहिंदा रह जांदा सी नाम ते सी प्रेम ते प्रेम चंद कहण लग गए कहिंदे ते चंद वर्गा है गज के आखो सतनाम कहिंदे ते चन्न वर्गा सोहना है प्रेम चंद ना पै गया। ते प्यारे घरों भी अमीर सी उस तो उपरंत उहदी पहली शादी हुई ये पहली शादी का जो जिक्र है जे आपां सूरज प्रकाश ग्रंथ पढ़िए उहदे विच पहली शादी का जिक्र नहीं जे मिलता ये होर बारों किताबों के विचों कई प्रचारकों ने कई विद्वानों ने पहली शादी का जिक्र किया है। कहिंदे भाई अमीर खानदानों सी घर दे विच भी पैसा पूरा सी ते जिथे शादी हुई ना वह भी अग्गों अमीर सी। ते प्यारे सियाने कहिंदे हुंदे ने बजुर्ग बैठे ने कहावत है कहिंदे जिस कोल जवानी ते पैसा ये दो चीज़ां कट्ठियां आ गई ना ते उसनूं नष्ट होण तों उसनूं प्यारे नीवें पद्धर तों जाण तों कोई नहीं बचा सकता उच्चा नहीं जा सकता वह सच्चा जीवन नहीं जे ज्यों सकता उहदे उत्ते फिर पंजे दूत काम क्रोध लोभ मोह हंकार हावी हो सकते ने कदों भी जिस कोल जवानी ते माया इको दम कट्ठे आ गए। कोई विरले ही है जो नाम जपदा होवे फिर भावें पैसा जवानी भावें कुछ मर्जी आई जाए नाम जपदा होवे गुरु ने आप कृपा कर देनी है नाम फिर जिन्नी नाम त्याया गए मसकत काल नानक तेम खुजले ओ मुख फिर उजले ही रहिंदे ने सोहणे लगदे ने केती छुट्टी नाल। ते प्यारे जवानी सी प्रेम चंद ते पैसा घर दे विच भी पूरा सी अमीर सी शाहूकार दा मुंडा सी शाहूकार दा पुत जिथे पहली शादी हुई ओ भी अगों शाहूकार पैसा रल गया यार दोस्त जिवें मींह दे विच डड्डू इदां बथेरे निकलदे रहे ना मींह दे विच उंज नहीं कोई लभदा मींह दे वेले इदां ही डड्डू डड्डियां इदां फिरदे हुंदे आ। ते प्यारे जदों मिठाई हुंदी आ ना मिठाई ते मक्खियां जिवें मींह दे विच डड्डू ते मिठाई ते मक्खियां एवें जिहड़े कोल पैसा हुंदा ना उहदे कोल यार दोस्त भी बथेरे हुंदे आ गज के आखो सतनाम। इदां भीड़ लगी रही प्रेम चंद कोल भी प्यारे आप ते नशा करदे हुंदे आपदे कोल पैसे नहीं जे हुंदे फिर अमीर घर दा कोई वेख के ना उहनू लाउंदे आ नशे ते भी नाले ते इहनू आदत पा दईए नाले साडा डंगा ला दिया करू।
इदा प्यारो माड़ी संगत मिल गई, माड़े कर्म कर लग गया। सियाणियां दी इक होर कहावत कहिंदा जिहड़े माड़े कम्मां दे विच बहुत ज़्यादा पै जावे ना, क्योंकि जदों नशा कीता फिर माड़ियां चंगियां थावां ते भी गया। बड़े माड़े कर्म, कोई ऐसा माड़ा कर्म नहीं जे छड्डिया जिहड़ा कीता ही ना होवे, ते कहिंदे उहनूं कोढ़ दा रोग हुंदा है। जिहड़ा कोई माड़ी चंगी थां ते जांदा ना बहुता ज़्यादा माड़ा कर्म कमाउंदा है, उहनूं कहिंदे फिर कोढ़ दा रोग हो जांदा है। ज्यों पक्का रोगी बिल लाए, जिवें नाम तों विसर के पक्का रोगी बिल लाउंदा ना माड़े चंगे कर्म करन वाला, उहनूं वी कहिंदे कोढ़ दा रोग हो जांदा। प्रेम चंद दे नाल वी इदां ही होई, पहलां की सी प्रेम चंद, ते जदों माया सारी लुटा दित्ती ना कोढ़ दा रोग हो गया, घरवाली वी साथ छड्डण ते आ गई। जब ही हंस तजिए काया, प्रेत प्रेत कर भागी। जदों कहिंदे सोहणी काया साथ छड्ड गई ना, ये रंग रूप साथ छड्ड गया, जा तेरे सुवास ही साथ छड्ड गए, ते ओही घरवाली जिहड़ी बड़ा प्रेम करदी आ ना, भावें कोई भैण आ भावें कोई भाई आ भावें तेरा बच्चा, ये सारे साथ छड्ड जांदे ने, बाणी कहिंदी कोई नहीं खड़दा। ते प्यारिओ पहलां की सी प्रेम चंद, जदों कोढ़ दा रोग लग गया, चंद क्यों कहिंदे सी, क्योंकि सोहणा सी, हुण सोहणा नहीं रहा, हुण चंद नालों कट्टिया गया ते कल्ला प्रेम ही रह गया। गज के आखो सतनाम। ते प्यारिओ जिहड़ा कोई गरीब जिहा बंदा जां माड़ा बंदा हुंदा ना, उहदा ना पिंड दे विच कोई सतिकार नाल नां नहीं लैंदा। जिहड़ा कोई माड़े कर्म करदा होवे, जिहड़ा कर्मां कणियों गरीब होवे, माया कणियों नहीं, जिहड़ा कर्मां कणियों माड़े कर्मां कणियों गरीब होवे, उहदा कोई सतिकार नाल नां नहीं, जे प्रेम ना ते उहनूं प्रेमा कह दिंदे आ। इदां जे कोई बंदा चंगे कर्म करदा उच्ची पदवी ते है, उहदा फिर पूरा नाम इदां सरदार करनैल सिंह जां इदां पूरा नाम लैता जांदा है। ते प्यारिओ नाम सी प्रेम चंद, कल्ला प्रेम रह गया, लोग प्रेमा प्रेमा कहण लग गए। ते जदों वैदां नूं सद्या ना, वैद कहिंदे भाई जे किते गवांढियां दे घरे दी हवा भी चल गई ना, इहदे शरीर ते लग के किते हवा भी किसे गवांढी नूं लग गई, इह सूत दी बीमारी है, कोढ़ दा रोग। ते प्यारिओ तुहानूं भी कोढ़ दा रोग हो जाएगा, आखो सतनाम। तुहानूं भी इह रोग लगण दा खतरा है। कहिंदे जे हवा भी लग गई, कहिंदे जी हुण हल, कहिंदे इहदा कोई इलाज नहीं, इहनूं ते पिंड दे बाहरों किते छपरी पा के ना उत्थे छड्ड दिओ। जे किसे दा दिल करेगा कदे प्रसादा फड़ाया, कदे कोई दाल सब्जी, ते प्यारिओ नहीं फिर उत्थे अपनी जिंदगी दे रहिंदे सां जो उह पूरे कर लए। ही आ ना प्यारिओ, जैसी संगत तैसी रंगत। पहला अमीर सी, सोहना सी, सुनखा सी प्यारिओ, चंगे कर्म करदा सी, पिछले जन्म दे कोई चंगे कर्म सी ता अमीर घराने दे विच जन्म मिलिया, वधिया सोहना सुनखा वधिया घरवाली मिली, पैसा मिलिया, पर प्यारिओ माड़ी संगत कर ली, माड़े यार दोस्तां दे विच बैठनी उठनी, ते आप भी नशे दे विच पै गया, माड़े कर्म करन लग गया, अज उही हाल हो गया। जिहड़े लोग प्रेम चंद जी कहिंदे सी, अज कहिंदे ने प्रेमा कोड़ी, अज की कहिंदे ने जी प्रेमा कोड़ी, प्यारिओ प्रेम चंद तो रह गया प्रेम, फिर प्रेमा, फिर प्रेमा कोड़ी रह गया। गज के आखो सतनाम। ते प्यारिओ घरवाली भी कहण लगी, ते जदों सारे कह रहे सी ना इहनूं जी बाहर कढ़ो पिंड दिओ, उस वेले कोई दुख नहीं सी उहनूं, जदों घरवाली ने भी कह दिता ना, कहिंदी जी भी सानूं भी ना किते रोग हो जावे, इहनूं पिंड तों बाहर ही उत्थे छपरी पा के छड्ड दिंदे आ। ते उह दिल दे विच इदां वजे तीर, जिवें धारना पढ़दे हुंदे आ ना, तेरे फुल ओए सिवलिया यारा, ਜੇ ਲੋਕ ਭਾਵੇਂ ਪੱਥਰ ਮਾਰ ਪਰ ਜੇ ਆਪਦਾ ਫੁੱਲ ਵੀ ਮਾਰੇ ਨਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ, ਬੰਦਾ ਇੱਦਾਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮਾਲਣ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਫੁੱਲ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਮਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਦਾਂ ਸੂਈ ਫੁੱਲ ਦੇ ਸੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਕੇ ਛੇਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਦੋਂ ਬੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਲੱਕੜਹਾਰੇ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਹਾੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਡੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਲੱਕੜ ਦਾ, ਅਤੇ ਉਹੀ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਟੱਕ ਮਾਰ ਕੇ ਵੱਢ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹਦੇ ਹੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਫੁੱਲ ਓਏ ਸਿਵਲੀਆ ਯਾਰਾ, ਤਿੱਖੇ ਲੱਗਦੇ ਵਾਂਗ ਤਲਵਾਰਾਂ, ਫੁੱਲ ਓਏ ਸਿਵਲੀਆ ਯਾਰਾ, ਤਿੱਖੇ ਲੱਗਦੇ ਵਾਂਗ ਤਲਵਾਰਾਂ। Thank you.
ਆਲਣ ਹੱਥ ਵੇਖ ਸੂਈ ਛੇਕ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹੀ ਮਾਲਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦੀ ਸੀ ਅੱਜ ਆਪ ਹੀ ਸੂਈ ਸੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਛੇਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਬੁਲਬੁਲ ਭੱਬਾ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋ ਪਈ ਕਹਿੰਦੇ ਰੁੱਖ ਰੋ ਪਿਆ ਕੁਹਾੜੀ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਦੱਸਦਾ ਰੁੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜਾ ਵੱਢ ਦੂ ਐਡੇ ਐਡੇ ਆ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਕੀ ਔਕਾਤ ਇਹਨਾਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਹੱਥ ਬਸ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਵੱਢ ਦੇਣ ਸਾਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣ ਪਰ ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਕਹਾੜੀ ਬੋਲੀ ਜੋ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਗੁਲ ਦੱਸਦਾ ਨਾ ਉਹ ਪਿਆਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਹੈ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਜਾ ਕੇ ਗੈਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਢਣੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹਟਾ ਸਕਦਾ ਰੁੱਖ ਰੋਪਿਆ ਕੁਹਾੜੀ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਦੱਸਤਾ ਤੱਕ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨੇ ਮੁਰਦਾ ਰੋ ਪਿਆ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇਖ ਅੱਗ ਨੂੰ ਲਾਂਬੂ ਚਿਖਾ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨੇ ਮੁਰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਜਲਾ ਦੂੰ ਮੁਰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗ ਡਿੱਗ ਰੋਂਦੇ ਨੇ ਕਿਹਦੀ ਹਿੰਮਤ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਅੱਗ ਲਾ ਜਾਵੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਲਾਂਬੂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਲਾਂਬੂ ਚਿਖਾ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨੇ ਇਹਦੀ ਪਿਆਰਿਓ ਪ੍ਰੇਮੇ ਕੋੜੀ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਵੱਜੇ ਇੱਦਾਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨਾਲੋਂ ਅਤੇ ਮੁਰਝਾ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆਰੇ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਗੰਧੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਆਉਂਦੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਫੁੱਲ 'ਤੇ ਭੌਰਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਆਉਂਦਾ ਪ੍ਰੇਮਾ ਕੋੜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਘਰ ਵਾਲੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋੜ ਦਾ ਰੋਗ ਲਾ ਦੇਵੇ ਇਹਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ ਉਹਦੀ ਛੱਪਰੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਪਿਆਰਿਓ ਅੰਦਰੋਂ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਕਦੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਫੜਾਇਆ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਖਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕੁੱਤੇ ਬਿੱਲੇ ਉੱਥੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗਵਾਂਢੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਖੜਦਾ ਪਿਆਰਿਓ ਸੁੱਖ ਮਿਆਨ ਬਹੁਤ ਮਿਲ ਬੈਠਤ ਰਹਿਤ ਚਾਹੂੰ ਜਿਸ ਕੇ ਰਹਿ ਬਿਪਤ ਪਰੀ ਸਭ ਸੰਗ ਛਾੜਤ ਕੋ ਨਯਾਵਤ ਨੇ ਰਹਿ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਬਿਪਤਾ ਪੈ ਗਈ ਨਾ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਛੱਡ ਜਾਣੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮਾੜੇ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾੜਾ ਵਕਤ ਬੰਦੇ 'ਤੇ ਆਣ ਪੈਂਦਾ ਸੱਪ ਰੱਸੀਆਂ ਦੇ ਬਣ ਬਣ ਕੱਟ ਜਾਂਦੇ ਮਾੜਾ ਵਕਤ ਇਨਸਾਨ ਤਿਆਰ ਪੈਂਦਾ ਯਾਰ ਵੇਲੀ ਵੀ ਪਾਸੇ ਵੱਟ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪਿਆਰਿਓ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਬਿਪਤ ਭਰੀ ਸਭ ਹੀ ਸੰਗ ਛੱਡਤ ਕੋ ਨਾ ਆਵਤ ਨੇੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਪਿਆਰਿਓ ਰੋਂਦਾ ਕਰਲਾਉਂਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇ ਪਰ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਵੈਦਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੌਤ ਹੀ ਦੇ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਸਿਆਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਮੰਗਿਆ ਤਾਂ ਮੌਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਅਤੇ ਪਿਆਰੇ ਉੱਥੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਮਕਾਲੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਬੰਦ ਕਰਵਾਈ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਮਾਫ਼ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਅੱਜ ਪਿਆਰਿਓ ਵਾਰੀ ਸੀ ਪ੍ਰੇਮੇ ਕੋੜੀ ਦੀ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਵਿਧੀ ਬਣਾਉਣੀ ਸੀ ਕੋਈ ਪਿਆਰਿਓ ਇੱਦਾਂ ਚੱਕਰ ਵੀ ਰਚਾਉਣਾ ਸੀ ਪ੍ਰੇਮੇ ਕੋੜੀ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਮਾ ਕੀ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਸੰਗਤ ਇੱਦਾਂ ਲੰਘੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਢੋਲਕ ਛੈਣੇ ਇੱਦਾਂ ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣਗਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨਿਤਾਣਿਆ ਕਾ ਤਾਣ ਆਏ ਨਾ ਜਾਈ ਥਿਰ ਸਦਾ ਗੁਰ ਸਭ ਦੀ ਸੱਚ ਜਾਣ ਸਾਹਿਬ ਨਿਤਾਣਿਆ ਕਾ ਤਾਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਣਿਆਂ ਦਾ ਤਾਣ ਨਿਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਓਟ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਓਟ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਘਰ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਇਹ ਘਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉਹਦਾ ਇਹੀ ਮਾਂ ਹੈ
यही प्यो है गज के आखो सतनाम। तो अज प्यारे माड़ी संगत ने माँ प्यो खो लए, घरवाली खो ली, बाल बच्चे, आंढ़ी गुआढ़ी, दोस्त मित्र सारे खो लए माड़ी संगत ने। वेखो माड़ी संगत का असर वेख लिया ना, हुण चंगी संगत का असर वेखियो। कहिंदा तुसी की पढ़ रहे हो, उन्हें ताणिया का ताण। कहिंदा मैनू भी कोई तार देवे, मैनू भी किते लै चलो, किसी इहोजे गुरु के दर्शन करावो, किथे जा रहे हो। कहिंदे भाई आ जा, इदां लिखिया, कहिंदे आ जा मेरे मोढ़िया ते, तैनू गुरु के दर्शन करावां। कहिंदे साडे गुरु की महिमा ते एड्डी न्यारी है, तेरे लोग हाथ लाउण तों घबराउंदे ने, किते कोढ़ दा रोग ना लग जावे। कहिंदे तू मेरे मोढ़िया ते बैठ। कहिंदा नहीं जी, तुहानू भी ये रोग लग जाएगा। कहिंदे नहीं, इत्थे प्यारे हो सियाणे बैठे हो, सारिआं ने भगत पूर्ण सिंह जी का किस्सा सुणिआ। उन्हें कोड़ियां दे हत्थां नाल मालिश कीती अपने, कदे भी उन्हूं कोई सारी जिंदगी बीमारी नहीं जे लगी। उन्हें टीवी दे रोगियां नूं, बड़ियां बड़ियां बीमारियां, कैंसर वालियां नूं अपने हत्थां दे नाल सेवा कीती, कदे कोई रोग नहीं जे लग्या। प्यारे ये लगना हुंदा है, ते भावें घरे ना इदां जिंदे ला के बैठ जायो, एक गेट वाले नूं, एक अपने रूम दे दरवाजे नूं, अंदर भी भावें एक शीशे की कैबिन बना के ना जिंदा ला के बैठ जायो। जे रोग लाउणा होया ना मालक ने, ते उत्थे बैठे नूं भी लग जाणा गज के आखो सतनाम। आ हुण वेख्या नहीं, जिहनूं करोना होया ते कई इंजैक्शन लवा ले उहनां नूं भी हो गया, कई करोना पॉजिटिव वालियां दे नाल तुरे फिरदे रहे उन्हां नूं भी नहीं होया गज के आखो सतनाम। इह ते दाते दीआं खेडां ने। मेरे दाता जी तेरी याद चाहिया खेडा सारिया, मेरे दाता जी पढ़ते जाते ने इतिहास से इतों तक। कहता है कहिंदे प्रेमे कोड़ी नूं जिन्हों लोग हाथ लाने तो डरते ना, इदा दूर ही रहिंदे सी, जिवें करोना दे विच कहिंदे सी ना भी दूर रहो, कोड़ दे रोग तो कहिंदे इदा दूरी बना के रखते सी। उस कोड़ी नूं प्रेमे कोड़ी नूं प्यारे गुरु के सेवकों ने अपने मोढ़ियां ते बिठा लिया, तो गुरु अमरदास जी महाराज जी के चरणों के लै गए गज के आखो सतनाम। ते प्यारे जदों जाके बेनती की ना पातशाह, इनू कोढ़ दा रोग है, इदां सारी कहानी दसी भी घर वालियां ने भी बाहर कढ़ दिता, आंढ़ी गुआंढ़ी सारे साथ छड्ड गए। तो गुरु अमरदास जी महाराज जी ने हुक्म दिता, भाई इनू कमरा दे दिओ। एक सिख की ड्यूटी लाई, कहिंदे भाई इनू रोजाना जपजी साहब का एक पाठ सुनाउणा है गज के आखो सतनाम। जपजी साहब के पाठ नू प्यारे आपां पिंडां दे विच ते उहीं समझदे आ वी पता नहीं जी इहदे विच की होणा है। इत्थे प्यारे भाई मतीदास का इतिहास पढ़िए, तो जपजी साहब का पाठ ही शहीदी होने वेले पढ़िया। कहिंदे शहीद हो गए, प्राण निकल गए, जिहड़ा पाठ बाकी रहिंदा सी ना
वो फिर भी इदा चीरे हुए शरीर के आवाज आती रही गज के आखो सतनाम। इन्नी महानता है गुरु के शब्द की, एक शब्द मेरा प्राण वस्त है बहुत जन्म ना आवा किनका एक किनका, जिस जीव सावै ता की महिमा गनी ना आवै, कांखी एक है दर्श तुहारो नानक उन संग मोहे उदारो। कहिंदे प्यारिओ जो तेरा नाम जपदे ने ना उन्हां दे नाल नाल मेरा भी उधार कर दे, इदी प्रेमा कोड़ी अरदास करदा मालक दे चरणां दे विच। कहिंदा गुरु अमरदास जी महाराज जी बड़ी वड़ियाई तुहाडे सेवकां पासों सुनी, हुण मेरा भी उधार कर दिओ। कहिंदे प्यारिओ कई महीने उत्थे इदां ही उहनूं जपजी साहिब दा पाठ सुनाया ते अरदासां बेनतियां करदा रहा। पूरी तरह जदों गुरु अमरदास जी महाराज जी ने वेख्या ना भी अज पूरी तरह बदल गया, जो माड़े कर्म करता सी पश्चाताप पछतावा हो गया, टाइम रहिंदे पछतावा हो गया, जे किते होर समा लंघ जांदा ते पछताउण दा कोई फायदा नहीं सी होना। जदों गुरु अमरदास जी महाराज जी ने वेख्या ना भी चंगी तरह बंदा हुण बदल गया, आप भी बाणी पढ़न लग गया, अर्थ सरवण करन लग गया, सेवा करदा, ते प्यारे प्रभु गुरु अमरदास जी महाराज जी ने ऐसी कृपा की जाके ना कहिंदे इदां बस नजरी मारी है, गुरुद्वारा जोड़ा साहिब नंगल जिला फरीदकोट दास दी फरीदकोट ड्यूटी है गुरुद्वारा साहिब उत्थे नेड़े है जी, उत्थे पंज निशानियां गुरु साहिब दियां बाटा जोड़ा एक हथी लिखत बीड़ ते दो निशानियां होर ने, एक चोला है एक कलंगी है। ते प्यारे उत्थे ना अरदास हुंदी आ आए ऐतवार गुरुद्वारा जोड़ा साहिब नंगल, ते कहिंदे मैं अरदास दे विच शामिल होया, अरदासां होर बहुत सुनियां, कई इदां ही पैसे कमाउण दे मारे भी अरदासां करदे ने, चलो खैर आपां किसी की निंदा नहीं जे करनी, आपां उहनां दी गल कर लईए जो सच्चे ने, गज के आखो सतनाम, निंदा भली किसै की नाहीं, किसी की निंदा आपां क्यों करनी। ते प्यारिओ मैं अरदास दे विच इक चीज़ वेखी, अरदास करके ना लैक्चर दिंदा बाबा जी, कहिंदे भाई जिहड़े रोग वास्ते अरदास करा रहे हो ना उस दी दवाई नहीं लैनी, उस दी दवाई बंद, 40 दिन वास्ते उस रोग दी दवाई बंद, होर कोई रोग की सिर दुख का कोई होर प्रॉब्लम है दवाई लै सकते हो, उस रोग की दवाई नहीं। तो प्यारे जिन्ने कु तुसी बैठे हो ना इन्ने कु 15-15 मिनटां बाद दरबार साहब उत्थे भरिया हुंदा है, तो संगत चली जाती अरदास करा के, फिर 15 मिनटां बाद इन्ना दरबार साहब भर गया। ऐसी कृपा देखी अद्धे प्यारे इहो जे हुंदे ने जिहड़े कहिंदे जी 40 दिन पहला अरदास करवाई सी अज ठीक हाँ, साडा 40 दिन पहला कोई काम नहीं सी हुंदा अज हो गया, तेरी कृपा होगी पाशाह। ते अधे ऐसे हुंदे ने कहिंदे असीं इन्हां नूं वेख के अज दर्शन करन आए हाँ, साडा भी दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी, साडे भी दुख रोग रोगन ते अर सोगन ते जल जोगन ते बहु भांत बचावै, सत्र अनेक चलावत कहाव तहु तनेक न लागन पावै। 10 ग्रंथ दे बचन ने कहिंदे रोगां तों सोगां तों दुखां तों कलेशां तों ਬਿਘਨਾਂ ਤੋਂ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਸ ਮਿਹਰ ਭਰੀ ਨਜ਼ਰ ਦੀ ਹੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਰੱਬ ਦੇ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਨਿਆਰੀਆਂ, ਨਾਮ ਵਾਲੀ ਗੰਗਾ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਲਾਈਆਂ ਤਾਰੀਆਂ, ਨਾਮ ਵਾਲੀ ਗੰਗਾ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਲਾਈਆਂ ਆਰੀਆਂ ਨਾਮ ਵਾਲੀ।
ਸਾਸ ਤੇ ਰੱਖੇ ਮਾਲਕ ਚਾਵੇ ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਕਹਿ ਦਈਏ ਨਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਣ ਇਹਦੇ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸਵਾਸ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਬਿਨ ਸਾਸ ਤੇ ਰੱਖੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਾਹਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਬਿਨਾਂ ਸਾਹਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਸਾਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਨਬਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਬਸ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਪਿਆਰਿਓ ਕੋੜ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬੜਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਚੰਦ ਵਰਗਾ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਪ੍ਰੇਮ ਚੰਦ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੁਕਿਆ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਇੱਦਾਂ ਪਿਆਰੇ ਉਹੀ ਨੀਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤਿੱਖਾ ਨੱਕ ਅਤੇ ਸੋਹਣਾ ਨੈਣ ਨਕਸ਼ ਗੋਰਾ ਚਿੱਟਾ ਇੱਦਾਂ ਪਿਆਰੇ ਇੰਨਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਅੱਜ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਗਲਾ ਕਰਮ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾੜੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਥੋਂ ਖੋਹ ਲਿਆ ਸੀ ਅੱਜ ਚੰਗੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਵਾਪਸ ਦੇ ਦਈਏ ਅਤੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਲਕੋ ਇਹ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਕੋਈ ਹੈ ਸੰਗਤ ਇੱਦਾਂ ਬੈਠੀ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਧੀ ਇਸ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਵਿਆਹੇਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਨੇ ਹੱਥ ਚੁੱਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪਰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਪਤਾ ਕੋਈ ਮਾਂ ਪਿਓ ਕੋਈ ਦੱਸੋ ਇੱਦਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨਾ ਕੋਈ ਧੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਨਾਮ ਪਤਾ ਪਿੰਡ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਮਾਂ ਪਿਓ ਭੈਣ ਭਾਈ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਾਧ ਛੱਡ ਗਏ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਨਾ ਐਂ ਸਮਝ ਲਓ ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੀ ਬੱਚਾ ਹੈ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਹਾਂ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪਿਆਰਿਓ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ੀਹੇ ਦੀ ਲੜਕੀ ਉਸ ਦਾ ਜੋ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰੇਮ ਚੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪਿਆਰਿਓ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਬਦਲਿਆ ਪ੍ਰੇਮ ਚੰਦ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਮੁਰਾਰੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਜੀ ਮਥੋ ਮਥੋ ਮਰਾਰੀ ਦੀ ਜੋੜੀ ਇੱਦਾਂ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪਿਆਰੇ ਉਹਨਾਂ 22 ਮੰਜੀਆਂ ਅਤੇ 72 ਪੀੜਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਮੰਜੀਆਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਬਾਣਦੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਮੰਜੀਆਂ ਮੰਜੀ ਭਾਵ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਇੱਦਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੁਣ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਰਹੇਗਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਭਾਵ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੇਨ ਇੱਦਾਂ ਹੀ 22 ਮੰਜੀਆਂ ਭਾਵ 22 ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਅਤੇ 72 ਪੀੜਾ ਸਾਹਿਬ ਭਾਵ ਕੇ ਛੋਟਾ ਮੰਜੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਪੀੜਾ ਇੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਥਾਪਿਆ ਜੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਇਸ ਪ੍ਰੇਮ ਚੰਦ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੀ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਉਹੀ ਸੀ ਨਾ ਕੋੜੀ ਸੀ ਸਾਰੇ ਸਾਥ ਛੱਡ ਗਏ ਸੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਭੈਣ ਭਾਈ ਘਰਵਾਲੀ ਵੀ ਅਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਅੱਜ ਚੰਗਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਮਿਲ ਗਿਆ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਿਓ ਕਹਿਣ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲ ਗਿਆ ਪਿਆਰਿਓ ਅਤੇ ਮਾੜੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਾਰੇ ਛੱਟ ਛੱਟ ਗਏ ਚੰਗੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਤਰ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਵੀ ਚੰਗਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੀ